With the previous video, we have finished our chapter number 1. Odd और even numbers के साथ हमने हमारा chapter number 1 finish कर लिया है. अब हम हमारे second chapter पे आते हैं, that is ordinal numbers. So, ordinal numbers are those numbers which tell us the position of any number. किसी भी नंबर की जो हमें पोजीशन बताता है वो होता है ऑर्डिनल नंबर. अब जैसे कि आप असेंबली में लाइन बनाते हैं, तो जब आप असेंबली में लाइन बनाते हैं तो जो सबसे पहले खड़ा रहता है उसकी पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट पोजीशन. जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है, सबसे आखिरी में खड़ा है, उसकी पोजीशन क्या होती है? लास्ट पोजीशन. तो जो भी नंबर हमें नंबर की पोजीशन बताते हैं, नंबर कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर है, फिफ्थ पर है, ऐसी जब नंबर्स की हमें पोजीशन बताते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. अब आप यहाँ पर देखिए, आपको 20 तक के ऑर्डिनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं या 20 तक की पोजीशंस आपको नंबर की पता होनी चाहिए. तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कुछ स्क्वायर देख रहे हैं, उनमें कहीं कहीं इनकी पोजीशंस लिखी हुई है. तो ये देखिए, ये स्क्वायर, ये जो फर्स्ट स्क्वायर है वो दूसरे वाले
19 और लास्ट हो गया 20। तो इस तरह से जितने भी स्क्वायर या जितने भी ब्लॉक्स ब्लैक बोर्ड पे बने हुए थे उन सब की पोजीशन हमने लिख ली है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन और ट्वेंटी। तो ये नंबर्स या ये ब्लॉक जो हमें नंबर की पोजीशन बता रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कुछ स्पेलिंग देख रहे हैं, एप्पल, एलिफेंट, ट्रायंगल, इन सब में ए के नीचे अंडरलाइन देख रहे हैं आप। तो आपको इन स्पेलिंग्स में जो ए अल्फाबेट है, ए अल्फाबेट की आपको पोजीशन बतानी है। तो शुरू करें, एप्पल देखिए, एप्पल में ए कहाँ लिखा हुआ है, तो ए की पोजीशन क्या हुई, ए की पोजीशन हुई फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, तो एप्पल में ए की पोजीशन हुई फर्स्ट। एलिफेंट में हमें ए की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो काउंट करना शुरू करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ए की पोजीशन क्या हुई एलिफेंट में, सिक्स्थ पोजीशन। ट्रायंगल, ए की पोजीशन हमें पता करनी है, काउंटिंग